कैसे अपन ब्लेंड करते हैं। ब्रश लिया, फोरहेड से ब्लेंड करना स्टार्ट करना है अपन को, इसे धीरे धीरे यहाँ पे। देखो बहुत घिसना नहीं है, बहुत प्रेशर नहीं लगाना, और ऐसे नहीं कि एक ही जगह को घिस रहे हो तुम, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा मूव आगे पीछे करते रहो। उससे क्या होता, धीरे धीरे स्प्रेड होता है एकदम से। अगर एक ही जगह घिसते रहोगे और आगे बढ़ोगे तो वो उस जगह काला होता जाएगा। यहाँ पे अपना हाईलाइट था, तो ऐसे नहीं करना कि पूरा भर देना, हाईलाइट के अराउंड चलाना। ओके, इस तरीके से। फिर आई के ऊपर ऐसे कर्व करते हुए, आई के नीचे ऐसे कर्व करते हुए, ठीक है। देखो अब बहुत ज्यादा घिसोगे तो डार्क हो सकता है, तो तुम्हें एक काम करना चाहिए, सर्कुलर चलाओ। उससे क्या होता है, पूरे एरियाज में इक्वली स्प्रेड होता है। आराम आराम से सर्कुलर चला रहे अपन। अभी चिन वाला पोर्शन आता है, तो इसका जो ये हाईलाइट है, इसके अराउंड ऐसे ओवल शेप में करो। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाते जाओ। ये वाला एरिया यहाँ आराम आराम से सर्कुलर चलाते जाओ। देखो तुम्हें स्मूथ करना है चेहरे की शेडिंग। ये चीक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे जरा आराम आराम से, ये जो डार्क दिख रहा है ना अपन को एरिया, यहाँ पे थोड़ा ब्रश चला अच्छे तरीके से, ताकि ये थोड़ा डिस्टिंक्ट दिखे अपन को, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा अपलिफ्टेड दिखे। आइस के ऊपर है, आइस के ऊपर आराम से किया। यहाँ पे अपन ने हाईलाइट छोड़ा था, तो सिर्फ इसकी सराउंडिंग में करो, अंदर अंदर तक कोई नहीं जाएगा। फिर नोज आता है कर्व करने में धीरे धीरे, हाईलाइट के अंदर कोई नहीं करेगा, जो यहाँ छोड़े हैं उसके सराउंडिंग में करोगे। ठीक है, ये नोज वाले पोर्शन में से थोड़ा वर्टिकल करना, ताकि ये जो डेप्थ है, ये सेंटर वाली हाईलाइट थोड़ा सेपरेटेड रहे। ओके, इस तरीके से अपन ने फोरहेड और से लेके चीक्स आईज सब ब्लेंड कर लिया। तो मैं जहाँ पे थोड़ा कुछ रफ दिखे तो वहां ब्लेंड करो। यहाँ नेक पे आए तो नेक पे भी ऐसे ओवल शेप में चलाओ। ठीक है, पहले एक राउंड अपन ने ऐसे ओवल शेप में चला दिया, फिर एक राउंड ऐसे हॉरिजॉन्टली चला। उससे क्या होता है, परपेंडिकुलर है, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लेंड करोगे और अच्छा ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, तुम्हें यहाँ लग रहा कि यहाँ पे थोड़ा रफ है, यहाँ थोड़ा रफ है, तो वहां ब्लेंड करो और ये अपनी फर्स्ट लेयर ब्लेंड हो जाती है। ये लिए अब 2B पेंसिल अपन ने अपनी। देखो अब क्या, हाइलाइट्स तुम्हारे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है चिन पे, और ये चार है, तो 1 2 3 4 हो गए। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे अपन ने HB लेयर करी थी, सेम उसी तरीके से तुम्हें 2B लेयर करनी है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी डेप्थ है चेहरे में। ठीक है, और तुम्हें बस हाईलाइट से थोड़ा और दूर रहना, मतलब लाइक HB में यहाँ तक आए थे, तो 2B में थोड़ा और पीछे रहोगे। तो फोरहेड में तो ऐसे कोई हाईलाइट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। जैसे मान लो तुम HB में यहाँ तक आए थे, 2B में यहीं तक आओ। इस तरीके से अपन आराम से वही ओवल शेडिंग, कोई रफ शेडिंग नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हें टाइम लग रहा है, आराम से टाइम देके करो, इससे थोड़ा सा दूर रहो, ताकि ब्लेंडिंग के समय आसानी रहे। ओके, ये किया अपन ने, आराम आराम से आईब्राउज कनेक्ट करे, आईज के ऊपर हल्का हल्का किया। देखो बहुत ज्यादा एकदम घिस के डार्क नहीं करना है, अपने पास उसके लिए 4B 6B 8B सब है। 2B से अपन सिर्फ लेयर बाय लेयर बढ़ते हैं, इसलिए हर स्केच में। ठीक है, ये चिन वाला पोर्शन आया, तो चिन वाले पोर्शन में यहाँ पे थोड़ा और पीछे से छोड़ना स्टार्ट किया। पेंसिल मैं ऐसे पकड़ा हूं, और ये एकदम बहुत ध्यान से सर्कुलर चला रहा हूँ, कोई उल्टे सीधे डायरेक्शन नहीं लगा रहा हूँ, मोस्टली सर्कुलर लगा रहा हूँ या ओवल्स लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर नोज पे आते हैं, तो नोज पे यहाँ पे शेड किया, आईज की यहाँ सराउंडिंग में शेड किया। देखो अब नोज पे क्या है, हल्का हल्का यहाँ पे भी शेड कर दो, बहुत हल्का हल्का, बस
इतना काफी है। यहाँ पे किया, पूरी नोज पे नहीं किया, सिर्फ यहाँ बेस वाले रीजन में किया है। फिर चीक्स वाला पोर्शन होता है, ठीक है, चीक्स वाले पोर्शन में यहाँ से तुम्हें थोड़ा दूर रहना है, और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर के साथ करना है, ये वाला थोड़े से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा प्रेशर ज्यादा करना है। फिर यहाँ पे टू बी यहाँ पे करते हुए आए, और बस। तो देखो एच बी अपन ने कर ली, तो उसके ऊपर टू बी करना कितनी जल्दी हो जाती है। यहाँ नीचे आए तो नीचे भी बहुत सारी जगह पे अपन को बस थोड़ा सा यहाँ छोड़ दो, ये पोर्शन छोड़ के बाकी हर जगह अपन टू बी करेंगे। तो यहाँ से अपन लेफ्ट टू राइट लेते हुए आए, और बस ये छोड़ दिया इतना पोर्शन ऊपर का किया अपन ने, थोड़ा राइट हैंड साइड पोर्शन किया, और इतना सच छोड़ दिया। सेम चीज नीचे भी करी, ये सच शेड किया, बीच में छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ना, थोड़ा हल्का हल्का अंदर भी शेड करना थोड़ा सा, ताकि वो ब्लेंडिंग में आसानी रहे, और ये अपन अपने टू बी लेयर से शेड कर देते हैं। तो ब्लेंड इसको भी सेम तरीके से करना है, ब्रश को आराम से सेंटर पे पकड़ो और स्मूथली सर्कुलर चलाते जाओ। जहां भी है थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अच्छे से नहीं हो रहा, लेकिन मोस्टली इसे सर्कुलर रखो। जहां हाइलाइट्स हैं उसके पास भी ऐसे सर्कुलर रखो, तो देख सकते हो ब्लेंड करने के बाद थोड़ी डेप्थ और बढ़ गई। तो अपन धीरे धीरे अपने रेफरेंस के पास पहुंचते जा रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से थोड़ा सा कर्व करके करो, ये वाले को कर्व करके करो, ओके, धीरे धीरे करते जाओ। ये जो हाइलाइट्स हैं ये वाले एकदम से ऐसे नहीं छोड़ देते अपन कि यहाँ पे यहाँ तक आके छोड़ दिया एकदम, नहीं, उसे अंदर तक हल्का करते हुए लाते हैं। इसलिए लाते हैं ताकि जब अपन उसे ब्लेंड करें तो अपने पास एच बी से टू बी के बीच की जो मिड टोन रहती है वो अच्छे से आ जाए, ओके। तो कभी भी ऐसे एकदम से कहीं नहीं छोड़ देते अपन को। अगर अपन को उसमें एकदम ग्रेडियंट चाहिए तो अपन उस ग्रेडियंट को बनाते हैं। हर चीज़ अपन एकदम ब्रश से ब्लेंड कर करके नहीं बना सकते। ब्रश से ब्लेंड करके चीजें बनाने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होता है, वो एक लाइन जो दिखती है ना जहाँ यहाँ पे छोड़ा था वो हमेशा दिखेगी, ठीक है। चीक्स के नीचे थोड़ा जो डार्क पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ऐसे कर्व करते करते ब्रश चलाओ ताकि ये स्मूथली ब्लेंड हो, ओके। तो ये स्मूथली ब्लेंड हो गया। अब अपन नेक वाले पोर्शन पे आते हैं। नेक वाले पोर्शन पे ऐसे धीरे धीरे एक काम और कर सकते हो, ओके। इस तरीके से जो पूरा रोल आता है ये थोड़े बड़े एरियाज के लिए, छोटे एरियाज के लिए ब्रश ही यूज होता है। इस तरीके से जो अपन टिप बनाते हैं फ्लैट बेस और ये ऊपर होल्डिंग के लिए, ये फ्लैट बेस बना है यहाँ पे, वैसे ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाते हैं। उससे क्या होता है एक बड़ा एरिया भी है, ये बॉर्डर के पास सर्कुलर चलाओगे तो और अच्छा ब्लेंड होता है। लेकिन ये तुम ऐसे छोटे एरियाज के लिए नहीं कर सकते कि तुम आइस पे बैठ के घिस रहे हो, नहीं, जैसे चीक्स वाला रीजन है तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। इससे चिन वाले रीजन पे बहुत प्यार से करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। फोरहेड पे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब तुम आईज के ऊपर ऊपर करोगे तो वो तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी, लेकिन कॉटन से भी अच्छा ब्लेंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी सेकेंड लेयर ब्लेंड कर दी। फोर बी पेंसिल है, अब डेप्थ वाला पोर्शन में करूंगा तो डेप्थ क्या हो जाता है, ये जो जा रहा है कर्व वैसे, ठीक है, ये इसको मैं अब डेप्थ देना स्टार्ट कर रहा हूँ अपने स्केच को। अभी मैंने बेसिक लेयर भर दी है तो इसके ऊपर मैं फोर बी पेंसिल से डेप्थ दूंगा। ऊपर ले जाते लाइट होगा, ऐसे नहीं कि एकदम ही डार्क छोड़ दिया। उसको मैं आराम आराम से शेड करूंगा फोर बी से। ठीक है,
फिर ये वाला जो पोर्शन आता है, तो यहाँ देखो नोज से हल्का हल्का ऐसे शेड होते हुए आ रहा है, थोड़ा पतला सा, बहुत ज्यादा नहीं। अगर ये मोटा कर दिया हो तो यहाँ ही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने नहीं किया तो मैं इसकी एक आउटलाइन टाइप बना रहा हूँ जो मैंने चीक्स पे हाईलाइट छोड़ा है, क्योंकि चीक्स क्या है थोड़े उठे हुए दिख रहे हैं। तो अब ये पीछे जाते जाते थोड़ा मोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो एक आउटलाइन सी बन गई अच्छी। सेम चीज मैं यहाँ चीक्स के साथ, सॉरी जॉ लाइन के साथ करूंगा। जॉ लाइन पे शेड किया मैंने 4B से, ठीक है, और ऊपर आते आते लाइट होगा। जैसे ये 4B है, ऊपर आते 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 लाइट हो गया, ऊपर आते 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 लाइट हो गया। ये चाहता हूँ मैं अच्छे से करना, ताकि क्या है ब्लेंडिंग में आसानी रहती है। थोड़ा लिप्स के नीचे किया, और जैसे ये लेफ्ट वाला पोर्शन है ये पूरे ही डार्क है, ठीक है, 6B जितना नहीं लेकिन 4B जितना डार्क है। यार आराम आराम से देखो, पूरा फिल नहीं करना है तुम्हें, बस वही एरिया करना है जो डार्क है। फोरहेड पे देखो ये डार्क है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जो तुम आ रहे हो, ये डार्क स्टार्ट किया अपन ने 4B से, आ रहा है नॉर्मली आ रहा है, लाइट होता जा रहा है। अब राइट आते आते और लाइट होता जा रहा है, हल्का हल्का और लाइट होता जा रहा है, बस इस तरीके से। नोज पे आए, नोज पे यहाँ शेड करना स्टार्ट किया अपन ने, तो नोज पे यहाँ पे डार्क रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बाहर आता जा रहा है, जैसे जैसे बाहर आता जा रहा है लाइट होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। नोज में थोड़ा अंदर किया इस तरीके से। तो अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ डेप्थ की जरूरत है, वहां वहां डेप्थ दी। और ऐसा नहीं करना कि एकदम से वहीं करके छोड़ दो, आसपास हल्का हल्का हो, 4B लाइटली दो, ताकि ब्लेंड करने में आसान। ओके इतना करो।